मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाया ने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब भी हम कोई इरादा करते हैं, कोई कामयाबी हासिल करने का इरादा करते हैं, तो शुरू में तो हमें बहुत सी तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इंसान इन परेशानियों और तकलीफ़ात के आगे डट कर खड़ा हो जाता है, वो अपनी कामयाबी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, कामयाबी हासिल कर लेता है। जब वो कामयाबी हासिल कर लेता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है, पूरी दुनिया उसको अपना रहनुमा बना लेती है। वो एक ऐसी इंसान के वो एक ऐसा बादशाह होता है जो कि अपनी कौम को सिर्फ अच्छाई और भलाई का दर्श देता है, सिर्फ उनके साथ सिला रहमी करता है, तो पूरी कौम उसे अपना रहनुमा बना लेती है। वो जिस रास्ते का इंतखाब कर लेता है तो पूरी कौम उसके पीछे चलती है, उसके सारे साथी उसके पीछे चलते हैं। वो लोगों को खार से फूल की तरह बना देता है और उन फूलों को फिर एक बाग बना देता है। शुक्रिया।